जी हाँ, आइए दोस्तों बात करते हैं 27 मार्च 2020 शुक्रवार के मुख्य समाचारों टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में। अपन जानेंगे आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, हेडलाइंस न्यूज पर नजर डालेंगे, देश में चल रही अलग अलग चर्चाओं को जानेंगे। मोदी सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, सीधे बैंक खातों में अप्रैल के महीने में पैसे आएंगे लोगों के, कितने कितने आएंगे बताएंगे आपको पूरी जानकारी विस्तार से। इसके अलावा सरकार ने फ्री में गैस सिलेंडर देने को लेकर भी बड़ा ऐलान किया, और साथ ही मनरेगा यानी कि नरेगा में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी सरकार ने इस योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबर है दोस्तों, चीन से शुरू हुई बीमारी के मसले को लेकर भी सरकार का बड़ा फैसला है। एक एक करके तमाम अपडेट्स को आपको बताएंगे, बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट के सीधे ले चलते हैं आपको पहले अपडेट में, तो देख पा रहे बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों, अगले 3 महीने तक 5 किलो राशन और रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा बिल्कुल फ्री। हमारे भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 10 बड़ी और अहम घोषणाएं की है, क्योंकि आपको पता होगा आजकल हमारे देश में 21 दिन का ऑलरेडी लॉकडाउन चल रहा है, और इसी जंग में भारतीय लोगों को राहत देने के लिए वित्त मंत्री और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरफ से राहत पैकेज का ऐलान कर दिया गया। और इस राहत पैकेज में दोस्तों देश भर में टोटल 1.70 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज का ऐलान है, और इसके तहत दोस्तों सरकार देश भर के गरीब लोगों को दिहाड़ी मजदूरों को राहत देगी। अब इसमें क्या बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान है, एक एक करके पॉइंट्स में देखिए दोस्तों, फटाफट से मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में विस्तार से जानकारी। तो देख पा रहे होंगे 80 करोड़ गरीब लोगों को 1 किलो दाल भी मिलेगी। तो इससे पहले क्या घोषणा है समझिए जरा, देश के 80 करोड़ गरीबों को हर महीने 6 किलोग्राम अतिरिक्त राशन फ्री में देने का ऐलान है। उन्होंने कहा कि अब तक 5 किलो गेहूं या चावल प्रति गरीब व्यक्ति को सब्सिडी पर मुहैया कराया जाता था, लेकिन अब 5 किलो राशन अतिरिक्त मिलेगा, यानी कि देश के 80 करोड़ गरीबों को जून के महीने तक 10 किलो राशन का फायदा बिल्कुल फ्री में मिलता रहेगा। 80 करोड़ गरीबों को 1 किलो दाल भी मिलेगी, राशन के साथ साथ 1 किलो दाल भी गरीबों को दी जाएगी। इसके अलावा किसानों को मिलेगी 2000 रुपए की किस्त। जी हाँ, बड़ा अपडेट आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि किसानों के लिए अच्छी खबर है, सरकार खाते में डालेगी इतनी रकम और अगले महीने से इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो दरअसल आपको बता दें, इस लॉकडाउन की स्थिति में किसान भाई लोग भी बिल्कुल टेंशन ना ले, सरकार अगले ही महीने अप्रैल के अंदर सीधे बैंक खाते में 2000 रुपए डालने का ऐलान कर चुकी है, यानी कि अगले महीने सीधे आपके बैंक खाते में रकम आ जाएगी। और साथ ही दोस्तों जो मनरेगा में मजदूरी करते हैं ना, उनकी रेट जो पहले 182 रुपए पर डे थी, उसको भी बढ़ाकर सरकार ने 202 रुपए प्रतिदिन मजदूरी तनख्वाह पगार सैलरी वगैरह जो कुछ भी कहो वो पर डे 202 रुपए कर दिए। इसके अलावा बुजुर्गों और दिव्यांग जनों के पेंशन में सीधे 1000 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। 3 करोड़ बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाएं जो है उनके पेंशन में 1000 रुपए का इजाफा किया गया। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा दोस्तों की ये राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे होंगे, 20 करोड़ महिला खाता धारकों को हर महीने 500 रुपए मिलेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जिन भी माताओं बहनों का जनधन खाता खुला हुआ ना दोस्तों, उनको हर महीने 500 रुपए अगले 3 महीने तक ट्रांसफर किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जिनका जनधन खाता खुला हुआ है ना, उन महिलाओं को 500 रुपए हर महीने सरकार ट्रांसफर करती रहेगी अगले 3 महीने तक। इसके अलावा उज्ज्वला स्कीम के तहत जून तक बिल्कुल फ्री में गैस सिलेंडर मिलेगा। अगले 3 महीने तक जिन भी माताओं बहनों का उज्ज्वला स्कीम के तहत गैस सिलेंडर लिया हुआ है ना, उनको बिल्कुल 8 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे लाभार्थी जिनको फ्री में एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराएगी सरकार। और साथ ही आजीविका मिशन के तहत 20 लाख का लोन मिलेगा। स्वयं सहायता समूह से जुड़े देश के तकरीबन 7 करोड़ परिवारों के लिए ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने उन्हें स्वरोजगार के लिए 20 लाख रुपए तक का लोन देने का ऐलान भी कर दिया। और इसके अलावा जून महीने तक सरकार जमा करेगी रकम, इसको लेकर भी एक बड़ा अपडेट आप देख सकते हैं। और साथ ही पीएफ खाते को लेकर भी एक सरकार ने बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत आप देख पा रहे होंगे दोस्तों पीएफ में जमा राशि के 75% हिस्से के बराबर या फिर 3 महीने की सैलरी के बराबर की राशि निकाली जा सकेगी, और यह राशि नॉन रिफंडेबल होगी। इससे करीब 4 करोड़ कर्मचारियों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। तो ये सरकार की 8-10 बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान रहे आम आदमी को राहत देने के लिए, अच्छी बात है। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे होंगे दोस्तों कि स्वास्थ्य कर्मचारियों को सरकार का तोहफा। जो दोस्तों अभी जो हमारे देश में बीमारी का मसला चल रहा ना, इसमें काम करने वाले जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी, उनको सीधा 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस सरकार ने देने का ऐलान कर दिया। अगर उनको खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो जाता है तो 50 लाख रुपए सरकार उनको इंश्योरेंस कवर के रूप में उनके परिवार को देगी। अच्छा, इसके अलावा अगला अपडेट देख पा रहे होंगे कि लॉकडाउन की स्थिति जो अभी चल रही है, इसमें लोगों के मनोरंजन के लिए दूरदर्शन पर फिर से महाभारत और रामायण के सीरियल वापस प्रसारित करने को लेकर भी चर्चाएं चल रही है। जहां इस बात को लेकर प्रसार भारती दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो के सीईओ जो है शशि शेखर जी, उन्होंने इस संबंध में कहा दोस्तों कि रामायण और महाभारत के राइट्स उनके पास हैं, और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की पुष्टि हो जाने के बाद इन दोनों सीरियल को वापस दूरदर्शन पर चालू कर दिया जाएगा, ताकि लोगों का एंटरटेनमेंट मनोरंजन होता रहे, घरों में बैठे बैठे परेशान ना हो इसलिए। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस लॉकडाउन की स्थिति में मोबाइल कंपनी ने एक बड़ा कदम उठाया, कर्मचारियों को 20% एडवांस सैलरी दी। आखिर कौन सी मोबाइल कंपनी है, तो देख पा रहे होंगे मोबाइल बनाने वाली कंपनी लावा जो है ना दोस्तों, उसने देश भर में जो अभी स्थिति चल रही है इसको देखते हुए अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया, और इसके तहत 3500 से ज्यादा कर्मचारियों को जो कि लावा कंपनी में काम करते हैं उनको 20% एडवांस सैलरी कंपनी ने दे दी है। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे होंगे कि दोस्तों ग्रोफर्स, स्विगी, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट और अमेजोन, ये जो ई कॉमर्स कंपनियां ना, इन्होंने एक नई पहल शुरू की है ऑनलाइन डिलीवरी की। अभी जो देश में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, ऐसे में आप जरूरी सामान ऑनलाइन घर बैठे ही ऑर्डर कर पाएंगे। उनमें कौन कौन से प्रोडक्ट शामिल है और कौन कौन से शहरों में ये सुविधा शुरू की गई है, तो आप देख सकते हैं बिग बास्केट ने अहमदाबाद हो गया, भोपाल, इंदौर, मुंबई, मैसूर, नोएडा, सूरत, बेंगलुरु वगैरह में सर्विस चालू कर दी, ताकि लोगों को बाहर दुकानों पर नहीं जाना पड़े और घरों से बाहर नहीं निकलना पड़े और घरों में ही उनके
डिलीवरी बॉय आ जाएगा और डिलीवरी कर जाएगा सामान की। तो ये नई सुविधा भी अच्छी बात है अभी इस मौके पर। और साथ ही नेक्स्ट अपडेट देख पा रूंगे, इस बीमारी को लेकर 10 लाख रुपए का वेंटिलेटर मात्र 7500 रुपए में बनाएगी आनंद महिंद्रा। जी हाँ दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो चेयरमैन है आनंद महिंद्रा जी, उन्होंने बड़ी घोषणा की और उनका इनोवेटिव आइडिया देखिए दोस्तों। 10 लाख रुपए जो वेंटिलेटर होता है ना, उसको मात्र 7500 रुपए की कॉस्ट में तैयार करेंगे, ताकि देश में कम कीमत में हर एक आदमी को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। इसके लिए इनकी कंपनी बहुत अच्छा प्लान पर काम कर रही है और उम्मीद है दोस्तों देश में बहुत जल्द वेंटिलेटर्स की सप्लाई भी हो जाएगी इसके चलते, और वो भी बहुत कम कॉस्ट में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों पूरे देशवासियों के लिए। और साथ ही नेक्स्ट अपडेट देख पा रूंगे कि उड़ीसा बनाएगा बड़ा अस्पताल, उत्तराखंड में हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए। जहां उड़ीसा राज्य ने दोस्तों 1000 से भी ज्यादा मरीजों की व्यवस्था के लिए नया हॉस्पिटल बनाने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने अभी जो देश में बीमारी का मसला चल रहा है उसके लिए लोग किसी भी तरह की सहायता ले सकते हैं, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया। नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 01352722100, या एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया 9997954800। इन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करते हैं तो। बाकी केंद्र सरकार के भी ऑफिशियल नंबर थे जो हमने आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर बता दिए हैं, अभी भी उनकी सुविधाएं चालू, आप किसी भी तरह की सहायता ले सकते हैं। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे दोस्तों की अच्छी खबर खुशखबरी है, देश की इस कंपनी ने तैयार किया इस बीमारी का टेस्ट किट। कुछ ही घंटों में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी कि कहीं आप भी तो इस बीमारी को लेकर पॉजिटिव नहीं है। जी हां, तो दरअसल हमारे देश की पुणे की एक कंपनी है माई लैब्स करके, उसने एक नया किट तैयार किया जिससे आप मात्र 2 घंटे में जांच रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये कम खर्चे में मात्र 1200 रुपए में आप ये टेस्ट करवा सकते हैं कि कहीं आप इस बीमारी की चपेट में तो नहीं आ गए। तो ये देश में एक नई सुविधा शुरू हो चुकी है। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रूंगे, 10 करोड़ गरीब परिवारों को 6000 रुपए देगी मोदी सरकार, कांग्रेस ने की न्याय योजना लागू करने की मांग। जी हाँ दोस्तों, अभी जो हमारे देश में संकट चल रहा है उसके चलते कई लोगों की नौकरियां भी छूट चुकी है, आपको पता होगा कई की क्या, अधिकांश लोग अभी तक छुट्टियों पर हैं। और ऐसे में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उन्हीं लोगों को राहत दे सकती है। देश के तकरीबन 8 से 10 करोड़ परिवारों को सरकार हर महीने 5 से 6 हजार रुपए की रकम दे सकती है जब तक ये मसला ठीक नहीं हो जाता। इस तरह की रिपोर्ट चल रही है, बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक ये राशि सीधे उन लोगों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी ताकि गरीब परिवारों को राहत मिल सके और अपने राशन वगैरह के सामान के लिए आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए केस के संकट से निकल पाए। तो देखते हैं आखिर सरकार ऑफिशियली इस योजना का कब तक अनाउंसमेंट करती है, हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल अगला अपडेट देख पा रूंगे कि दोस्तों, इस बीमारी को लेकर पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का एक बड़ा फैसला है, केंद्रीय मंत्रियों को सौंपी राज्यों की जिम्मेदारी। जहां प्रधानमंत्री कार्यालय जो है ना, उन्होंने अभी जो देश में मसला चल रहा संकट का, इसके ऊपर पल पल नजर रखने के लिए मंत्रियों को अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी दे दी है, वो भी केंद्रीय मंत्रियों को, ताकि राज्य सरकारों के अलावा भी केंद्र सरकार डायरेक्टली उन पर नजर रख पाए। अच्छी बात है दोस्तों, सरकार की अच्छी पहल है। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे होंगे, अब ट्रेन के डिब्बे भी बनेंगे आइसोलेशन सेंटर की तरह बिल्कुल, 20,000 से भी ज्यादा कोच सैनिटाइज किए जा रहे हैं। और भारतीय रेलवे की एक नई पहल है, बिल्कुल प्रोटेक्टेड और क्वालिटी फुल रेलवे डिब्बे बनाने जा रहे हैं ताकि इस संकट की घड़ी में भी लोग बाग रेलवे सुविधाओं का यूज कर पाए। तो ये इंडियन रेलवे की एक नई पहल है। और साथ ही अच्छी खबर देख पा रहे दोस्तों की पीवी सिंधु ने 10 लाख रुपए दान देने का ऐलान किया। अभी देश में जो संकट का मसला चल रहा है इससे उबरने के लिए गरीबों के लिए 10 लाख रुपए डोनेट करने का ऐलान कर चुकी है पीवी सिंधु। उन्होंने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकार को 5-5 लाख रुपए दान देने की घोषणा की है। अच्छी बात है दोस्तों, देश में इस तरह के लोग जब होते हैं ना तो गरीबों के लिए भगवान की तरह होते हैं, ये बिल्कुल मसीहा की तरह बनकर काम करते हैं। और इन लोगों के लिए दिल से एक लाइक तो बनता है दोस्तों पीवी सिंधु के लिए, अभी का भी इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए, दबा के लाइक करना और शेयर भी जरूर करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। पीवी सिंधु कौन है, इनको आप जानते होंगे, शायद नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन की बहुत अच्छी प्लेयर है, हिंदुस्तान की बेटी है, लड़की है। और इनका जिगर देखिए, 10 लाख रुपए का डोनेशन इन्होंने कर दिया। एक लाइक तो बनता है, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और अपना आगे बढ़ते दोस्तों अगले अपडेट में, तो देख पा रूंगे उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला, अभी जो देश में स्थिति चल रही है संकट की उसके तहत शिक्षकों के तबादले पर रोक लगा दी, किसी भी तरह के टीचर का ट्रांसफर नहीं हो सकता, सरकार ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया। और साथ ही नेक्स्ट अपडेट है, केंद्रीय कर्मचारियों को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है, छुट्टियों के नियम को लेकर सरकार ने अहम फैसला लिया। देश के लाखों कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी राहत भरी खबर है। अभी संकट के मसले के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 50 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों को क्वारंटाइन में जाने के लिए अनुमति दे दी है, और इसके लिए बाकायदा 15 दिनों की छुट्टी की स्वीकृति भी दे दी, यानी कि यह व्यवस्था 4 अप्रैल 2022 तक के लिए लागू रहेगी। तब तक कोई भी कर्मचारी जो छुट्टी ले सकता है आसानी से, केंद्र सरकार या राज्य सरकार उनको मना नहीं करेगी। और साथ ही नेक्स्ट अपडेट देख सकते हैं, बैंकों के कर्मचारी भी कर सकेंगे घर से काम, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स को लेकर नए सुरक्षा मानकों पर विचार चल रहा है। जी हाँ, क्या अब बैंक कर्मचारी भी वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे, तो इसका आंसर है यस। भविष्य में इस तरह की टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के सुरक्षा मानकों पर काम करने वाली पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स काउंसिल ने वर्क फ्रॉम होम के लिहाज से नए स्टैंडर्ड तय किए हैं, और बहुत जल्द हमारे देश में भी इस तरह की टेक्नोलॉजी हमें देखने मिलेगी, जिसके तहत दोस्तों बैंकों में आपको कर्मचारी कम मिलेंगे जबकि बैंक के ही कर्मचारी घर से ही काम करते रहेंगे। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं, इस संकट के बीच भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने बड़ा ऐलान किया दोस्तों कि घर बैठे अब फोन पर आपको कुछ जरूरी सुविधाएं मिलती रहेगी। जी हाँ, तो दरअसल आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में 21 दिन का लॉकडाउन कर रखा है, और इसी बीच 2-3 दिन तो हो भी चुके हैं, और इन्हीं संकट के दिनों में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI जो उसने अपने ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है, जिससे वह घर बैठे ही अपने बैंक अकाउंट में मौजूद बैलेंस और आखिरी 5 ट्रांजेक्शन की जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए IVR यानी कि इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स की सुविधा भी दी गई है। 5 आसान स्टेप्स में आप इन चीजों का फायदा ले सकते हैं, अदरवाइज
आप नेट बैंकिंग वगैरह SBI योनो वगैरह यूज करते हैं तो आप उसमें भी ये चीजें इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और साथ ही सरकार का एक अच्छा फैसला दोस्तों कि वर्क फ्रॉम होम करने वालों को मिलेगी बेहतरीन इंटरनेट स्पीड। देश में इस संकट के बीच सरकार ने खास इंतजाम किए हैं, जो लोग घर से काम कर रहे हैं ना उनको अच्छी इंटरनेट स्पीड मिलेगी। देशव्यापी लॉकडाउन के बाद घरों में ही जो लोग कैद हैं और स्पेशली आम नागरिक जो घर के वातावरण में रहते हुए किसी ऑफिस का, कंपनी का, सरकार का, किसी भी तरह का अगर काम करें तो उनको इंटरनेट स्पीड में कमी नहीं देखने को मिलेगी बल्कि अच्छी सुविधाएं मिलेगी उन्हें। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि दोस्तों आपने सुना होगा कि 1 अप्रैल 2020 से बैंकों का मर्जर होगा। हमारे देश में तकरीबन 10 बैंकों का मर्जर होगा और 4 बड़े बैंक बनाए जाएंगे, राइट। लेकिन अभी जो देश में स्थिति चल रही है लॉकडाउन की, उसके बावजूद ये अपडेट आ रहा बैंकिंग न्यूज को लेकर कि बैंकों की विलय की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी और बिल्कुल चालू रहेगी। 10 बड़े बैंकों का विलय होना तय है 1 अप्रैल 2020 को, तो वो होकर के ही रहेगा। 10 बैंकों का विलय होकर 4 नए बैंक बनाए जाएंगे। कौन कौन से बैंक देख सकते हैं आप। अच्छा, साथ ही नेक्स्ट अपडेट आ रहा है 31 मार्च से SBI में लॉकर के लिए चुकाना होगा 33% ज्यादा शुल्क। जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के सेफ डिपॉजिट लॉकर की रेट 31 मार्च से 33% तक बढ़ने वाली है। छोटे और मीडियम साइज के लॉकर्स के लिए ₹500 प्लस GST का एक बार लॉकर पंजीयन शुल्क भी लगेगा, जबकि लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज लॉकर्स के लिए आपको ₹1000 प्लस GST का भुगतान करना होगा। हमने आपको पहले भी बताया था SBI न्यूज अपडेट्स के तहत। तो ये SBI के न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है 31 मार्च से लागू होने जा रहे हैं। लॉकर की प्राइस बढ़ जाएगी। लॉकर जो अपन लेते हैं जिसमें सोना चांदी वगैरह आपके घर के कोई इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं ना बैंकों में सिक्योरिटी के लिए, तो उन लॉकर्स की प्राइस कीमत बढ़ जाएगी। किराया, रेंट, भाड़ा जो कुछ भी है वो बढ़ जाएगा। ओके दोस्तों, तो इसके साथ ही आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। और हाँ, साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि दोस्तों आपको क्या लगता है कि अभी जो हमारे देश में स्थितियां चल रही हैं उसके अनुसार सरकार को हर व्यक्ति के बैंक खाते में कितने कितने रुपए डालने चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, डालने भी चाहिए या नहीं चाहिए, तो कितने रुपए डालने चाहिए, आपकी पर्सनल राय मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम जानना चाहेंगे। कमेंट बॉक्स में सवाल जरूर लिखिएगा और जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा, जिस कमेंट्स को सबसे ज्यादा लाइक्स मिलेंगे उन्हीं कमेंट्स में से रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा, किसी कमेंट को पिक किया जाएगा और वो जीत सकते हैं हमारी DLS न्यूज़ टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों इसी के साथ में आज की ये बड़ी खबरें, मुख्य समाचार के अपडेट से फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दिल से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, लाइक करके शेयर जरूर करना, बहुत ही काम की खबरें हैं। तो अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार जनों तक भी इन खबरों को जरूर पहुंचाएगा। और साथ ही अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।